गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या लखनऊ मेमोरियल CBS स्कूल भूगोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हमें जंगल और जनकपुर, ठीक है, जंगल और जनकपुर अध्याय शुरू किए थे। तो अध्याय में हम जंगल और जनकपुर मतलब महर्षि विश्वामित्र दशरथ महाराज के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान शुरू की। प्रस्थान मतलब तो उन्होंने जाने के लिए तैयार हुए। दोनों पुत्रों को लेकर उन्होंने यमुना नदी के तट पर चलते चलते, पैदल चलते चलते उन्होंने क्या किए, बहुत दूर चल गए। तो बहुत दूर जाने के बाद विश्वामित्र जी आगे पीछे मुड़ कर देखते हैं, पीछे राजमहल तो पैलेस ये सभी क्या हो गए, बहुत दूर रह गए, सभी क्या हो गए, चिप गए, आंखों से चिप गए। अंद्रे ಕಣ್ಣಿನಿಂದವೆಲ್ಲೋ ಮರೆಯಾದವು, ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ರಿ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದವೆಲ್ಲೋ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವು। ತೋ ಬಚ್ಚೋ ಯಹಾಂ ತಕ್ ಹಮ ಪಿಛಲೆ ಕಕ್ಷಾ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯೇ ಥೇ, ಆಯೇ ಬಚ್ಚೋ ದೇಖೋಗೆ ಆಗೆ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ। ಹಮ ಆಜ ರಾತ್ ನದಿ ತಟ್ ಪರ್ ಹಿ ವಿಶ್ರಾಮ ಕರೆಂಗೆ, ಮಹರ್ಷಿ ನೇ ಪೀಚೆ ಮುಡ್ತೆ ಹುಯೆ ಕಹಾ। ಮಹರ್ಷಿ ಮತಲಬ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಚಲತೆ ಚಲತೆ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಬಹುತ ದೂರ ತಕ್ ಚಲ್ ಗಯೆ। ತೋ ವಹಾಂ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಪೀಚೆ ಮುಡ್ಕರ್ विश्वामित्र दोनों पुत्रों से कहते हैं, मतलब दोनों वे लड़के से कहते हैं, क्या कहते हैं, आज रात नदी तट पर ही हम क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। तट पर मतलब किनारे पर, अंदर इवत्तिन दिन ना नदी दंडे मेले ऐन मोड़ोना, विश्रांति पड़ेयोना। आज रात हम क्या करेंगे, इस नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। मुस्कुराना मतलब स्माइल, हंसना, मुस्कुराना, स्माइल देना। वे दोनों इस तरह कहते हुए दोनों पुत्रों के या दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव, चेहरा मतलब फेस, चेहरे का भाव देखते हुए उन्होंने क्या किए, उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा, ठीक है, मुस्कुराए मतलब स्माइल दिए, हंसने लगे। राजकुमारों के चेहरे का भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते ही उन्होंने, निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सीखना चाहता हूँ। ठीक है, विश्वामित्र जी राम के पास आकर, निकट मतलब पास, निकट, पास या समीप बोलते ना, नजदीक, राम के नजदीक आकर उन्होंने कहते हैं, कौन, विश्वामित्र क्या कहते हैं, मैं दोनों को, दोनों को मतलब राम और लक्ष्मण, मैं आप दोनों, तुम दोनों को क्या करता हूँ, कुछ विद्याएं सीखना चाहता हूँ। विद्याएं मतलब शिक्षा, विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेंगे। प्रहार मतलब युद्ध। यह विद्याएं आपको सीखने के बाद, मैं कुछ विद्याएं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो यह विद्या आप सीखने के बाद आप पर कोई प्रहार नहीं कर सकते। प्रहार मतलब युद्ध। तो यह विद्या आप सीख गए तो कोई आप पर प्रहार नहीं करते, या आपके साथ कोई युद्ध न करते, युद्ध न करते हैं, प्रहार नहीं कर सकेंगे। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। आप नींद में मतलब आप सोए हुए तो भी, ठीक है, आप नींद में हो तो भी कोई आप पर युद्ध नहीं करते। आविद्यगळन्नु नीवु कलिद्रे, नीवु मलगिरुवाग सहित निम्म मेले यारो युद्ध माडलु साध्यविल्ल। अंतह विद्येगळन्नु नानु निमगे ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ। ರಾಮ ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನದಿ ಮೇ ಮೂ ಹಾತ್ ಧೋಕರ್ ಲೌಟೆ, ತೊ ಉದರ ಉನ್ಹೊನೆ ವಿಶ್ರಾಮ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮತಲಬ್ ಆರಾಮ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಫೈಸಲಾ ಕಿಯೆ। ತೊ ಉಸ್ ಸಮಯ ಉನ್ಹೊನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯೆ, ನದಿ ಮೇ ಜಾಕರ್ ಹಾತ್ ಔರ್ ಮೂ ಧೋಕರ್ ಲೌಟೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮಹರ್ಷಿಗೆ ನಿಕಟ ಆಕರ್ ಬೈಠೆ। ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೆ ದೋನೋ ಭಾಯಿಯೋಂಕೋ बला अति बला, ठीक है, वे नदी में जाकर हाथ मुंह धोकर वापस आकर महर्षि के पास, निकट मतलब पास, नजदीक बैठे।
विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को मतलब राम और लक्ष्मण को दोनों भाइयों को उन्होंने भला अति भला नाम की विद्या ये सिखाई। ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಅತಿ ಬಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು। ರಾತ್ಮೇವೇ ಲೋಗ ವಹಿ ಸೋಯ್ ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಖ ಸಿಖಾಯ ಕೌನ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜಿ ದೋನೋ ಬಾಲಕೋ ಯಾ ಬಲ ಔರ್ ಅತಿ ಬಲ ಎಸೆ ನಾಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ದೋ ವಿದ್ಯಾಯೋನೆ ಸಿಖಾಯ ತೋ ಉಸಿ ಉಸ್ ದಿನ ರಾತ್ ಮೇ ವೇ ಸಭಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜಿ ಔರ್ ದೋನೋ ಲಡಕೆ ಮಿಲ್ಕರ್ ಕ್ಯಾ ಕಿಯೆ उस नदी के तट पर ही उन्होंने क्या किए सोए। तिनकों और पत्तों को बिस्तर बनाकर तिनकों मतलब तरट बोलते ना सॉरी ग्रास हुल्लु अंत हेळ्तारल्ल हाँ वन हुल्लु ग्रास तरट अल्ल ग्रास तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर पत्ता मतलब लीफ एले ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಸ್ತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದರು। ಕೇಳ್ತೇವೆ ತಿನ್ಕೋ ಅವ್ರ ಪತ್ತೋಂಕ ಬಿಸ್ತರ್ ಬನಾಕ ನಿಂದ ಆನೆ ತಕ್ ಮಹರ್ಷಿ ಉನ್ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ತೇ ರಹೆ ರಾತ್ ಮೇ ಜಬ್ ತಕ್ ಬಚ್ಚೆ ನಹೀ ಸೋತೆ ತಬ್ ತಕ್ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಉನ್ ದೋನೋ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೆ ಸಾಥ್ बातें करते हुए ठीक है रात में उधर ही उन्होंने आराम किए। सुबह हुई यात्रा फिर शुरू हुई तो फिर इस तरह उन्होंने क्या किए रात में उधर ही आराम की नदी के तट पर। बाद में सुबह होने पर फिर उन्होंने अपना यात्रा शुरू की। यात्रा मतलब आगे जाने का। यात्रा शुरू हुई मार्ग वही था सरयू नदी के किनारे किनारे। सुबह होने पर उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदल दिए वही मार्ग था मतलब वही रास्ता था। पहले से उन्होंने किस रास्ते पे आ रहे थे नदी के तट पर सरयू नदी के तट पर किनारे। अब सुबह होते ही फिर उन्होंने वही रास्ते पे वही नदी के किनारे चलने लगे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उन्होंने उस नदी के किनारे किनारे चलते चलते आगे वे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे। पहुंचना मतलब उधर जा रीच होना तलकूद रीच जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। चलते चलते वे बहुत दूर तक चलकर एक स्थल पहुंचते हैं। उन्होंने वह स्थल क्या था उस स्थल में दो नदियां मिलती मतलब संगम होना होते ना संगम होना। उदाहरण के लिए अब इधर हमारे बालकोट डिस्ट्रिक्ट में पूडल संगम है। संगम मतलब उधर तीन नदियां मिले हैं समझ में ना इस तरह उधर उसे नाम क्या दिया है उन्होंने पूडल संगम। उसी तरह इधर क्या हुआ है विश्वामित्र और दो लड़के कौन कौन राम और लक्ष्मण ये दोनों तीनों चलते चलते आगे गए और जाकर उधर उन्होंने एक स्थल पहुंचते हैं। तो उधर क्या हुआ था दो नदियां आपस में मिलती थी ठीक है। तो वह जगह उन्होंने जाकर पहुंच गए। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी ठीक है। तो चलते चलते उन्होंने क्या किए एक स्थल पहुंच गए उधर दो नदियों की संगम हो गई थी। तो एक सरयू और दूसरा कौन सा था गंगा नदी। देखो उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे। वह स्थान पार करके फिर महर्षि आगे चलने लगे चल रहे थे लेकिन एक अंतर आ गया था। राम और लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे ठीक है। तो महर्षि विश्वामित्र वैसे ही उन्होंने आगे चलने लगे ठीक है। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे लेकिन एक अंतर आ गया ठीक है। तब राम और लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे। दूरी मतलब वे राम और लक्ष्मण अलग अलग होकर चलना पसंद नहीं करते अब ठीक है। वे दोनों मिलकर ही चलना चाहते थे। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके।
वे दोनों महर्षि विश्वामित्र आगे थे, दोनों मिलकर ठीक विश्वामित्र के पीछे ही इन्होंने जा रहे थे। विश्वामित्र जी क्या बातें कर रहे थे उस बातों को उन्होंने ठीक तरह से सुनते ही दोनों विश्वामित्र के पीछे चल रहे थे। विश्वामित्र अवरिगे हागे नडियुत्ते एनु मर्ता इद्दरु केलवु विचारगळन्न अवर जोते अवरिगे हेळ्ता इद्दरु। ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಪಡನೆ ವಾಲೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಪಡನೆ ವಾಲೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜಿ ಚಲತೆ ಚಲತೆ ಉನ್ನೋನೆ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಜೋ ಆಶ್ರಮ ಮಿಲ್ತೆ या रास्ते में आश्रम आते हैं, उन आश्रमों के बारे में बोलते ही उन आश्रमों के बारे में जानकारी दे रहे थे। किसे? ये दोनों बालकों को, राम और लक्ष्मण को। वहां के लोगों के बारे में, वृक्ष वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। इस तरह अनेक विषयों के बारे में जानकारी देते हुए विश्वामित्र जी आगे बढ़ रहे थे। किस विषय के बारे में जानकारी दे रहे थे? रास्ते के बीच में आने वाले आश्रमों के बारे में और वहां के लोगों के बारे में, उस आश्रम में रहने वाले लोगों के बारे में और वृक्षों वनस्पतियों, वनस्पतियों मतलब उस वन में जंगल में मिलने वाले पेड़ पौधे के बारे में। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। तो उस जंगल में या उस रास्ते में आने वाले वृक्षों मतलब ट्री, वृक्षों और पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास और उस स्थल के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए विश्वामित्र जी आगे बढ़ रहे थे। इन विषयों के बारे में किसे जानकारी दे रहे थे? उन्होंने राम और लक्ष्मण को। ठीक है, आगे की यात्रा कठिन थी। जिस तरह आगे बढ़ रहे थे तो उससे भी आगे का रास्ता मतलब आगे और उन्होंने क्या उनकी प्रस्थान शुरू किए, वह यात्रा बहुत कठिन थी। जंगलों से होकर, ठीक है, उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। तो आगे की रास्ता मतलब आगे की यात्रा बहुत कठिन थी। वह जंगलों से हो, वह रास्ता कहाँ था, वह मतलब वह यात्रा कहाँ जाने का था? जंगल में जाने का। ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವರ ಯಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಉನ್ಸೆ ಉಸಸೆ ಪಹಲೆ ಮತಲಬ್ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಯಾತ್ರೆ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಇನ್ಹೋನೆ ನದಿ ಪಾರ್ ಕರ್ನಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವರು ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನದಿ ಪಾರ್ ಕರ್ನಿ ಇತ್ತು. ರಾತ್ ಮೇ ಏಸಾ ಕರ್ನ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೋ ಉಚಿತ್ ನಹೀ ಲಗಾ. रात में नदी पार करना विश्वामित्र जी को उचित नहीं लगा। समझ में रहे ना? तीनों लोग वही रुक गए। रात में नदी पार करने का अच्छा नहीं लगा, ठीक है, वह उचित नहीं समझा उन्होंने। इसलिए उन्होंने क्या किए, तीनों लोग वही रुक गए, मतलब राम और लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र जी तीनों वही रुक गए। संगम पर बने एक आश्रम में, संगम मतलब वो दो नदियां उधर मिले थे ना, तो संगम के तो उस संगम के पास ही एक आश्रम था। तो उस आश्रम में उन्होंने क्या किए, रुक गए, क्योंकि रात में नदी पार करने का विश्वामित्र जी को उचित नहीं लगा। इसलिए उन्होंने क्या किए, संगम के स्थान पर एक आश्रम था, उस आश्रम में उन्होंने क्या किए, रुक गए। तीनों लोग वही रुक गए संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अगली सुबह मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अगली सुबह क्या की उन्होंने, नाव से गंगा पार की। नाव से मतलब बोट की सहायता से। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने क्या किए, बोट की सहायता से गंगा पार की। अंदर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಸಹಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದಾಟಿದರು। देख लो बच्चों आगे क्या होता है। नदी पार जंगल था। नदी पार करने के बाद
आगे की यात्रा कहाँ था? जंगल में जाने का था। घना दट्टवाद काड़ू, घना जंगल मतलब पेड़ पौधों से भरा हुआ घना जंगल। दुर्गम, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। ಅದು ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಕಾಡುಗಳು. ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸೂರಜ್ ಕಿ ಕಿರಣೆ ಧರ್ತಿ ತಕ್ ನಹಿ ಪಹುಂಚ್ತೀತಿ, ಇತನಾ ಘನ ತೋ ಉತನಾ ಪೇಡ್ ಪೌಧೋ ಸೇ ಭರಾ ಹುವಾ ಥಾ ವಹ ಜಂಗಲ್, ವಹ ಡರಾವನಾ ಭೀ ಥಾ ತೋ ಇಸ್ಸೇ ಅಲಾವಾ ತೋ ಉಸ್ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಜಾನೇ ಕೆ ಲಿಯೇ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಡರ್ತೇ ಥೇ, ವಹ ಡರಾವನಾ ಭೀ ಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡು ಬಹಳ ಅಂಜಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಜಿತಾ ಇದ್ರು, ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಅಂಜಿಸುತ್ತೆ. ಡರಾವನಾ ಭೀ ಥಾ, ಹರ್ ಊರ್ ಸೆ ಜುಂಗುರೋ ಕಿ ಆವಾಜ್, ಜುಂಗುರೋ ಜುಂಗುರೋ ಕಿ ಆವಾಜ್, ಜುಂಗುರೋ ಅಂತ ಭೃಂಗ ಠೀಕೆ. हर ओर से जुंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, दहाड़ मतलब गर्जन, आवाज बोलते हैं ना गर्जन, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनिया राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा. आश्वस्त मतलब उन्होंने उत्साहित, वह जंगल बहुत डरावना था, मतलब कोई भी हो उस जंगल में यात्रा करने के लिए डरते थे ठीक है, यात्रा करने के लिए. लेकिन वह जानकर विश्वामित्र जी कह दिए उन दोनों को उत्साहित करते हुए, उत्साहित मतलब प्रोत्साहित ठीक है. और ये अंतर बेरे विषय बैठे हेल्ता हाद्रे विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं. तो उधर के बहुत वह जंगल पेड़ पौधों से भरा हुआ था और जंगल में अनेक जानवरों की गर्जन थी, अनेक पेड़ गिड मर तुम्बित दट्टवाद काड़ागित्तु. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಬಾಲಕರು ಹೆದರಬಾರದಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ ಯಾವ ಉತ್ಸಾಹಿತ ಕರ್ತೇವಿ ಮಹರ್ಷಿನೇ ಕಹಾ, ಈ ಜಾನ್ವಾರ ಅವರು ವನಸ್ಪತಿಯ, ವನಸ್ಪತಿಯ ಮತ್ತು ಪೇಡ್ ಪೌದೆ, ಈ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಜಾನ್ವಾರ ಅವ್ರ ಈ ಪೇಡ್ ಪೌದೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಜಂಗಲ್ ಕಿ ಶೋಭಾ ಹೇ, शोभा मतलब अलंकार अंत है, शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है. आप मत डरो, आप भयभीत न हो ठीक है. ये सब क्या है, जंगल की शोभा है. इस तरह पेड़ पौधों से जानवरों से जंगल भरा तो वह जंगल की शोभा है, उससे जंगल सुंदर दिखता है ना. इसलिए आप मत डरो, असली खतरा राक्षसी ताड़का से है. तो राक्षसी का नाम क्या था, ताड़का, समझ में आ रहा है ना. इससे कोई डर नहीं, असली खतरा मतलब, खतरा मतलब डेंजर, असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यही रहती है. आप इस पेड़ पौधे और जानवरों से मत डरो ठीक है. इसमें इस जंगल में असली डेंजर मतलब डेंजर कौन है, ताड़का नाम की एक राक्षस ठीक है. वह राक्षस यही जंगल में रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए. आप क्या करना है, उस खतरा मतलब उस राक्षस को आप क्या करना है, तो आप मार देना चाहिए. आप दोनों मतलब राम और लक्ष्मण, आप दोनों क्या करना है, उस राक्षस को मार देना चाहिए. इस तरह जंगल के बारे में जानकारी देते हुए, जंगल के जानवर और वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते हुए
दोनों बच्चों को साथ लेकर विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं, जंगल में तो यात्रा शुरू किए हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक रहने दो। तो आगे जाकर तो आगे उनके रास्ते में ताड़का नाम की राक्षस तो उनको रास्ते में आता है या नहीं, वे दोनों उस राक्षस को मारते हैं या नहीं, तो आगे का क्या विषय है अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।